सब्सक्राइब कीजिए और इस टेक्निकल चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबाना ना भूले, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका मोबाइल किसी ने हैक किया है या नहीं। अगर आपका मोबाइल किसी ने हैक किया है तो उसे स्टॉप कैसे करें, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। अक्सर होता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड कोई आपकी मर्ज़ी के खिलाफ सुन रहा है, उसे पता करते हैं। उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने डायल पैड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक कोड इंटर करना है, *#21#। उसके बाद आप जिस भी सिम पर चेक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। देखिए MMI कोड स्टार्टेड बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वॉइस नॉट फॉरवर्डेड रहता। अगर आपका मोबाइल अगर किसी ने हैक किया है तो ये नॉट फॉरवर्डेड की जगह उसका नंबर बताएगा। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल किसी ने हैक किया है या नहीं। और एक कोड है जिसकी मदद से आप ये सब पता कर सकते हैं। चलिए आपको दूसरे कोड के बारे में बता दूँ। अगर ये कोड आपके उसमें ना काम ना करे तो ये कोड ज़रूर करेगा। तो उसका कोड है *#62#। ये इंटर करना है आपको, फिर सिम पर जाना है। देखिए उसी तरह का आ रहा है। अगर आपका मोबाइल किसी ने हैक किया होगा तो उसकी जगह नंबर बता ही देगा। चलिए अब इस बारे में जानते हैं कि अगर आपका मोबाइल किसी ने हैक किया है तो स्टॉप कैसे करें। तो उसके लिए भी एक कोड है जो आपको डायल करना है, *002#। उसके बाद आपको सिम पर क्लिक करना है। देखिए इधर लिख कर आ रहा है, कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज हैज़ बीन डिसेबल। आपकी जो भी कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस है वो डिसेबल हो जाएगी और आपका मोबाइल एकदम सेफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका मोबाइल कोई हैक नहीं कर पाएगा। अगर हैक किया तो भी आप ये सब तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।